नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। दोस्तों, 11 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो रविवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की तो ये सोने वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र दोमा उपाय के बारे में बताएंगे जो कि आप सावन में 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो, रविवार सप्तमी तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है? रविवार का दिन और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? तो यदि जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे, समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो यदि आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा, समझ रहे हो? इस प्रकार से यदि आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना तो वो आपके मोहित हो जाएगा, इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो दो उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र, एक दीपक से करना है, बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के डैन से, तीनों चीज एक एक चीज लेनी है और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है, स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे होंगे, ठीक है? फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है? साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, ठीक है? जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, ठीक है? लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है, तांबे के पत्र के अंदर ही जलना ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक, ठीक है? गोल बाटी का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना, इस उपाय को यहां पर समझना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाटी का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है, समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाटी का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में।
अब उसके पश्चात आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे। आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो दीपक, आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते, भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया, अब आपके पास से दो लौंग, ये दो लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है और ये दो लौंग जो है वो आपको रखना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है और उसका दो लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना, वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। देखो परेशानियां हमने आपको बताई हैं, धन संबंधी भी हो शक्ति है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मान नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है तो ये परेशानियां हमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है। और उसका जो दो लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी वो लौंग आपको उठा लेना है, समझ में ए रही है, वो लौंग वापस से उठाना है। और जो आधा लौटा जल आपका बच्चा हुआ है ना, उन आधे लौट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है, ठीक है। और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना, वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर जल के पत्र के अंदर, आधा लौटा जल बचा हुआ है, इस आधे लौट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है, यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लोटा चल रह गया, ठीक है। उसके अंदर दो लोगों आपने दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के पश्चात आपने उठाई थी और उसके पश्चात उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो घर में है तो घर पर जाइए, यदि मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए और उसके पश्चात आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके यदि आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी यह परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना, वही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर और ये पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर जब करते हुए देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो अब हम बात करते हैं दूसरों की। ये भी आपको 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा खास है, ये उपाय इसीलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिएगा, गुड़ का टुकड़ा जो है वो तीज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना, ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां को दूर करता है, ठीक है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना, हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह यदि हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्त होती है, तो हर मूंगा आपको लेना है, ठीक है। ये तीन सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना और एक हर मूंग का ले लेना, सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर। चल अब देखो घर से ही आपको एक काम करना है, आप क्या करना, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है, ठीक है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना उसमें, ठीक है, जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना, ठीक है। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियां को दूर के लिए है। देखो खास मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है, ठीक। चावल जो होगा वो धन वृद्धि करता है, मां की शांति के लिए है और हर मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है,
ठीक है, अब ये जो एक लौटा जल है ये आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुपियों का जप हुए। तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केशावार महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है मेरे को। ईश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना, यकीन मानिए उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो यह थी आज की खास जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।